बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली के तमाम अहले खाना को मेरी जान से ढेर सलाम, दुआएं मेरे बच्चों को बहुत प्यार। तो इस वक्त मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े धोने के लिए, तो आप मेरे साथ रहें, चलते हैं फिर छत पे कपड़े धोने के, धोते हैं, चलें फिर। ये देखिए, ये दूसरी बार कपड़े डाले मैंने, सिर्फ अभी और डालती हूँ। और इसके अलावा बकरा जो कपड़े डाल करके वो बकरा ने निकाल दिए हैं, और इसके अलावा थोड़े से कपड़े बाकी बचे तो ये बाद में डालेंगे। तो बस जैसे सुबह वो डाल कर गई है ना, तो उसके बाद ये हुआ कि बस ये धुल गए थे तो मैं किचन में काम कर रही थी, तो बस लाइट चली गई, तो फिर अभी लाइट आई तो मैं फ़ौरन ऊपर आ गई। तो वो कह रही मम्मा आप ना जा कर सिर्फ दूसरे कपड़े में मतलब मशीन चला दें, लेकिन ना कपड़े निकालिएगा। मैंने कहा चलो सही है, कपड़े वो निकाल गई थी तो मैंने चलो ये अब डाल दिए, मशीन चला दी है तो पर खंगाल लेती हूँ, अगर वो आ गई तो वो खंगाल लेगी। तो चले फिर, thank you.
चार पाँच मिनट मंगवाते हैं, और अगर फिर इस तरह खुलना निकले तो फिर चार पाँच मिनट मंगा लेते, खुले पानी से मंगाते हैं। शाबाश, बिल्ली का बच्चा मेरा साथ साथ ही है, जब तक मैं बैठी रहूंगी बैठा रहे। सर्दियों में भी कपड़े बेशुमार होते हैं, गर्मियों में भी, सर्दियों में वो होते हैं मोटे कपड़े, स्वेटर हो गए, शाले हो गई, मतलब मोटे कपड़े ज्यादा होते हैं, वो धोने मुश्किल होते हैं। गर्मियों में जाहिर है रोजाना नाना रोजाना कपड़े उतारने बदलने वो होते हैं, सर्दियों में माशाल्लाह नहाते हैं रोजाना, एक दिन छोड़ कर एक दिन बाद नहा लिया, रोजाना भी कभी नहा लेते। चलो यहाँ से जा मेरे जा यार, शाबाश, जा मेरे बेटा, चले जा। तो कपड़े मेरे धुल चुके हैं, तो मैंने कंगाल कर डाल दिए हैं सारे तार पे। तो एक बार ने कहा था मामा मैं डालूंगी, तो मैंने कहा छोड़ो, थोड़े से तो ये ज़्यादा हैवी नहीं है, और गर्मी इतनी शदीद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कपड़े धोकर कंगाल कर डाल दिए मैंने तार पे, मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं ना ऊपर कमरे में आके बैठ गई, थोड़ा सांस ले रही हूँ, सांस फूल गया मेरा, ऊपर चढ़ने से नीचे सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने से भी सांस फूल जाता है। तो कपड़े पर कंगाल के आई हूँ ना, मशीन धोकर आ गई हूँ, तो सांस फूल रहा है। तो मैंने कहा थोड़ा वजू किया, वजू करके मैंने कहा नीचे जाके नमाज़ पढ़ती हूँ, क्योंकि ऊपर तो बहुत गर्मी है, शदीद गर्मी है, तो नीचे ज़रा ठंडा है। तो मैं नीचे जाके नमाज़ पढ़ती हूँ, लाइट पता नहीं अब जाने वाली है, 2:30 बजे चल जाती है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा यहाँ बैठती हूँ, सांस लेती हूँ, पंखे के नीचे, फिर नीचे जाती हूँ। और ऊपर वाली टंकी भर दी नीचे से, मैंने आवाज़ दी बच्चों को मोटर चलाओ, ऊपर टंकी भरे ना, माशाल्लाह कपड़े भी धुल गए, टंकी भी भर ली ऊपर से। और फिर मैं नीचे जाकर मैंने बड़ी मोटर चला दी, बाहर से जो पानी खींचती है ना, मेरे को टैंक भी भर जाए। तो बिल्ली का बच्चा मैं दिखाती हूँ कि कहाँ है, शहजादा 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 शहजादा।
देखो इसका इतना दुख होता है मुझे ना जानवरों के साथ बुरा सलूक करने पे और घर से मतलब बाहर निकालने पे। अब इसको सोच रहे हैं कि इसको ना यहाँ मतलब कहीं छोड़ के जाएं। दुख मुझे बहुत है, लेकिन पता है ये ना मतलब जब एक दफ़ा पीछे लग जाते हैं ना पीछा नहीं छोड़ते, इतने मानूस हो जाते हैं इंसानों के साथ बहुत ज़्यादा। और आपको पता है मेरे घर में तोते हैं। हाँ चलो दूध दूँ, चल मेरे शहजादे मेरे पास गोद में नहीं आना ना मेरी जान, चलो दूध दूँ, ये भूखा हो रहा है इसको दूध देती हूँ जाके। तो फिर ना आप यकीन करेंगे तीन चार बार जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ना कमरे में चला गया था, लेकिन बस अल्लाह पाक बचाने वाला, मेरे तोतों को अल्लाह ने बचाया। तो फिर ना अगर वहाँ भी इसको ले जाएंगे तो फिर ये ना कभी भी मतलब हमारे किचन छुड़े ना मेरी जान। चलो चलते नीचे और दूध दूँ, हाँ मेरी जान, हाँ जा। तो कपड़े मैं आपको दिखाती हूँ, डाल दिए मैंने तार पे, देखें सर वहीं पानी लेके चलते हैं नीचे ना, पौधे में डालते नीचे वाले पौधे में, टमाटर में मैंने डाल दी, चलो आज चलते हैं। और ये कपड़े जैसा कि पापा सलाम करके मेरे बेटे के, ये इनके पापा के, और ये हैं रिमशा अकरा लोग के, ये मेरा सूट है रिमशा ने ले लिया, बस मेरे कपड़े रिमशा पहनती है, खुले खुले कपड़े पहनती है ना। और ये है और वो है, अरे वो देखें वो देखें, तो ये तो कपड़े जैसा कि मेरे धुल चुके हैं। तो दरख्त को देखें, वो हो सूरज देखें, वो देखा नहीं जा रहा। तो अब चलते हैं नीचे, कबूतर दिखाती हूँ आपको मैं, देखिए दीवार पर बैठा है। अब ये मतलब ना पानी पीने आ रहे हैं, खाना खाने के लिए आ रहे हैं। तो मैंने इनकी जो कुनाली है ना मतलब जो पानी वाला बर्तन है वो धो के मैंने भर दिया, ये देखें ये देखें छाई में रख दिया धो के ना भर के। चलो चलें और शहजादा और दूध दूँ, हाँ मेरी जान इसको दूध देती हूँ, चलो नीचे चलते हैं, पानी लेके चलते हैं नीचे, ये जो सीढ़ियों में पौधे पड़े हैं उनको पानी डालते हैं। आ जाओ मेरे शहजादा, आ दूध दूँ, ये बेचारा भूखा और उसको दूध देती हूँ। चलो तो चलो बेटा चलते हैं नीचे, पानी डालते पौधों में, अल्लाह खैर। मोटर चलाई हुई मैंने, बंद करती हूँ अभी, इसमें डालते हैं पानी, इसमें डालते हैं, देखें बिलियन फिर गिरा दिया है पौधा मेरा, तोड़ ही दिया। चलते नीचे कमरे में, बच्चे को दूध भी देती हूँ। दोपहर को जैसा कि मैं आ गई थी कपड़े धोकर, तो फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैं इतनी थक गई थी बहुत ज़्यादा, फिर मैं ना लेट गई थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा थोड़ा आराम सो जाती हूँ ना, आराम कर लेती हूँ। सोना तो खैर क्या है, लेटी हूँ बस कोई 15-20 मिनट 25 मिनट लेटी हूँ, फिर उठ गई, क्योंकि जब मुझे काम का टेंशन हो मुझे नींद नहीं आती। और ऐसे तो कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से मेरा अपना घर है, जितने जब सोऊं जब उठूं बैठूं, लेकिन नहीं आप यकीन करेंगे मैं बहुत कम सोती हूँ, दिन में सो जाती हूँ लेकिन बहुत कम सोती हूँ। तो फिर मैं 20-25 मिनट तो लेटी हूँ, लेकिन ना फिर उसके बाद उठ गई हूँ नमाज़ पढ़ने के बाद ना लेट गई, नमाज़ पढ़ रही थी तो आँखें मेरी नींद से बंद हो रही थी, मैंने कहा शैतान देखो कैसे भड़काता है कि भाई आप सो जाएँ। फिर मैं वहीं लेट गई, मतलब फिर थोड़ा 25 मिनट तक मैं लेटी रही हूँ, सो भी गई थोड़ा सा, फिर उठ गई काम करने लग गई। तो फिर ना और भी काम बहुत सारे किए, तो अभी मैंने कहा चलें शाम हो रही तो फिर दूसरे काम शुरू करती हूँ, और सालन वगैरह बनाने की तैयारी करती हूँ। तो फिर ना मैंने कहा चलो आपसे इजाज़त लेती हूँ, तो कपड़े तो मैं धो चुकी हूँ, और अभी जैसा कि मैं आपको सामान वगैरह भी मैंने बांधना है, तो मुझे दें इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखें ख्याल, मेरा व्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और फिर मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में,
किसी नई रूटीन के साथ। तो उस वक्त के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, बाय।